नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। मैनपुरी सदर तहसील क्षेत्र के मोहल्ला संसारपुर निवासी राममूर्ति पत्नी रामप्रताप एवं जुनू पत्नी संजू जो पाल समाज से हैं, जिनके द्वारा बताया गया है कि सरकारी आवास के नाम पर संबंधित लेखपाल श्याम गुप्ता व उनकी सहयोगी विजय कुमार के द्वारा पीड़ितों से कहा गया है कि अगर मुझे 10,000 अभी नगद नहीं दोगे तो तुम्हारा आवास स्वीकृत नहीं होगा और लिस्ट से नाम भी हटा दिया जाएगा। गरीब परिवार लगातार कर्मचारियों से मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से गरीबों के हक पर डांका न डाला जाए और उनका हक उनको मिले, जिसके लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है, तो वहीं तहसील स्तर के कर्मचारियों के साथ दलाल किस्म के लोग मिलकर लगातार गरीब पीड़ितों का शोषण कर रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से गरीब बुजुर्ग महिला व एक महिला को किस तरह से रुपए के अभाव में सरकार की योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। यह मामला सदर तहसील क्षेत्र के मोहल्ला संसारपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर पीड़ितों ने अपनी बात को कहते हुए संबंधित लेखपाल व सहयोगी विजय कुमार के द्वारा मांगी गई धनराशि से निजात दिलाई जाए और मुझे गरीब परिवार की मदद कर सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आइए सुनाते हैं उस पीड़ित परिवार की जुबानी।